हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सिक्स क्लास का हम आज पिक्चर ग्राफ पढ़ाएंगे, ठीक है। पिक्चर ग्राफ में हम सबसे पहले इसको हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए, पिक्चर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन का जितना भी दिया हुआ उसको कलेक्ट करके हम लोग को डाटा में जो आपका पिक्चर दिया हुआ रहेगा उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करके दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु एब्सेंट फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग ए वीक आर गिवन बिलो, ठीक है। इसमें से जो आपका जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो एब्सेंटेड किया हुआ है उस क्लास से ड्यूरिंग द उस सप्ताह में जो आर उसका लिस्टेड बिलो किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले डे में मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है, इतना दिया हुआ है। अच्छा, नंबर ऑफ द एब्सेंटीज, ठीक है, नंबर ऑफ़ द एब्सेंटीज जैसे 6, 2, 4, 2, 8 इतना इसका भी दिया हुआ है। तो टेक द स्केल फिगर, आपका दो एब्सेंटीज लेना है उसमें से, ड्रॉ द पिक्चर ग्राफ, आपको दर्शाना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा इस पिक्चर ग्राफ में, आंसर में डे नंबर ऑफ द एब्सेंटीज, डे भी लिखिएगा और नंबर ऑफ द एब्सेंटीज जितना उसका एब्सेंटीज किया हुआ है। जैसे मान लीजिए डे आप एक साइड में लिख रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इतना लिख लिए। अब नंबर ऑफ द एब्सेंटीज, देखिए नंबर ऑफ द एब्सेंटीज जो आप कीजिएगा ना, वो वहाँ पर क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपका नंबर ऑफ द एब्सेंटीज सबसे पहले 6 है, तो वहाँ पर टेक द स्केल फिगर दो एब्सेंटीज है, तो 6/2 दैट इज 3 हो गया, 3 स्टूडेंट्स को आपको दिखा देना है ना, मतलब ये ड्रॉ करना है आपको। उसी तरह से जैसे मान लीजिए ट्यूसडे में 2 है, तो यहाँ पर कितना है, टेक स्केल फिगर में 2 एब्सेंटीज है, तो 2/2 दैट इज़ 1 हो गया, तो वहाँ पर भी फिगर में भी आपको 1 ही एब्सेंटीज को ही दिखाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे में 4 है, तो 4/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो दैट इज़ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, इसका भी आपका 2 एब्सेंटीज आ जाएगा। उसके बाद थर्सडे में 2/2 दैट इज़ 1 हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ द एब्सेंटीज भी इसका 1 आ जाएगा। फ्राइडे में आ जाइए तो 8/2 हो जाएगा, क्योंकि टेक स्केल फिगर आपने 2 एब्सेंटीज पहले से ही किया हुआ है, तो कितना हो जाएगा आउट ऑफ में, तो 8/2 दैट इज़ 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कि इसको क्या है, पिक्चर में आपको दर्शा देना है, ठीक है। इस ग्राफ में नहीं आया, इस पेज में नहीं आया, लेकिन आप लोग जो है ना इसको कॉपी में जब करोगे तो ऐसे ही करोगे, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनने के बाद उस कॉपी में आप लोग उसको लिखोगे, उस तरह बनाओगे, ठीक है। ये सिर्फ इस तरह से आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ के आप लिखने में आपको सहूलियत होगा। देखिए, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ द स्टूल इन द 5 रूम्स ऑफ द स्कूल आर गिवन बिलो, ठीक है। किसी स्टूल का जो संख्या है, उस स्कूल का 5 रूम्स आपका गिवन बिलो में दिया हुआ है। जैसे रूम नंबर 1 हम बोलते हैं ना, रूम नंबर इतना है, इतना है, तो रूम नंबर 1 से लेके 5 तक दिया हुआ है। और नंबर ऑफ द स्टूल का संख्या कितना है, 30 है किसी समय, सेकंड में आपका 40 है, थर्ड में 60 है, फोर्थ में 50 है, 5 में 20 है, ठीक है। तो आप जैसे है टेकिंग द स्केल फिगर, इसमें से 10 स्टूल को ले लिया, ड्रॉ पिक्चर ग्राफ आपको दिखा देना है। जैसे सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक अरेंज वाइज कीजिएगा, जैसे रूम नंबर कितना है, 1 रूम नंबर से लेके आपका 5 रूम नंबर तक। उसके बाद नंबर ऑफ द स्टूल कितना है उसको भी आपको दर्शा देना है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, रूम नंबर 1 में कितना है, 30 है, तो आउट ऑफ टेक द स्केल फिगर 10 स्टूल का कितना होगा, 30/10, तो दैट इज 3 हो गया। उसके बाद रूम नंबर 2 में कितना है, 40/10, तो 4 हो गया। उसके बाद कितना हो गया, 6 रूम नंबर 3 में 60/10 हो गया, तो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। उसके बाद रूम नंबर 4 में 50/10 हो जाएगा, कितना, 5 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 20/10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से उसको भी अकॉर्डिंगली आपको आपको पिक्चर ग्राफ में दर्शा देना है, ठीक है। नंबर ऑफ द स्टूल इतना है, इतना उतना संख्या पर इतना है ना, इसको इसका दर्शा देना है, ठीक है, मतलब फिगर ग्राफ में ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में जैसे हम लोग आते हैं, इन ए क्लास टेस्ट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट पास इन द वेरियस सब्जेक्ट आर गिवन, किसी क्लास टेस्ट में नंबर ऑफ द स्टूडेंट का संख्या जो पास किया है विभिन्न धर्म के सब्जेक्ट में वेरियस सब्जेक्ट में क्या क्या किया है, जैसे आपका सब्जेक्ट बहुत सब है, कितना कितना, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, ड्राइंग एक्सेट्रा, ये है। और स्टूडेंट का पास जो किया है इंग्लिश में 15, मैथमेटिक्स में 25, हिंदी में 10, ड्राइंग में 20, इस तरह से वो किया है। अब आते हैं, देखिए
इसमें टेकिंग द स्केल फिगर सबसे पहले ले लिया कितना 5 सक्सेसफुली स्टूडेंट्स के लिए ड्रॉ पिक्चर ग्राफ में दिखा देना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को आप यूटिलाइज कीजिएगा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, ड्रॉइंग एक्सेट्रा। अब द नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो पास किया है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट के पास की संख्या इतना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, 15 से 5 को डिवाइड करें तो 3 हो जाएगा, 25 से 5 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 से 5 को डिवाइड फिर से 2 हो जाएगा, 5 2 10, 20 से 5 को डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स को भी दिखा देना है, मतलब पिक्चर में दिखा देना है कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट जैसे है, जैसे मान लीजिए 15 by 5 आया तो कितना हो गया सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का में से, तो कितना 3 हो गया, है 3 स्टूडेंट को दर्शा देना है ना। तो पिक्चर ग्राफ में इस तरह से वो टोटल नंबर से स्टूडेंट को नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम से नंबर ऑफ द टोटल आउटकम में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं इस तरह से दिखा दोगे। नेक्स्ट फोन नंबर में द नंबर ऑफ द फैन सोल्ड बाय द शॉपकीपर, किसी दुकानदार के द्वारा जो आप मैंने 6 मंथ में इतना 6 मंथ में जो बेचता है फैनों की संख्या कितना है, कितना है उसको दुकानदार के द्वारा लिस्टेड बिलो किया गया है। जैसे मंथ में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इतना है, तो नंबर ऑफ द फैन सोल्ड जो बेचा है, फैनों की संख्या जो बेचा गया है वो कितना है, मान ले 30, 40, 60, 50, 20, 30 इतना। ठीक है, ट्रेकिंग स्केल फिगर, 10 फैन सोल्ड पहले से ही ऑब्वियसली उसको पहले ले लिया है, तो ड्रॉ द पिक्चर ग्राफ में दिखा दिए, 30 by 10 तो 3, 40 by 10 तो 4, 60 by 10 तो 6, 50 by 10 तो 5, तो इस तरह से हमको भी दर्शा देंगे। अब यहाँ पर आइए जो ड्रॉ करने के लिए मंथ है, मार्च कौन सा है, मार्च से लेकर अगस्त है, नंबर ऑफ द फैन का सोल्ड कितना है, इतना इतना जितना हम लाया है उतना उतना फैन को दिखा देना है। ठीक है, जितना आया है उतना पिक्चर ग्राफ में फैन का संख्या को ड्रॉ करके दिखा देना है। ठीक है, अब फैन सिंपल से आप लोग बना लोगे, फैनों की संख्या इतना इतना आपको दिखा देना है। चलिए और आते हैं नेक्स्ट, आइए 5 नंबर में देखिए, द फॉलोइंग पैराग्राफ शो दैट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ट्री प्लांटेड, है किसी पार्क में भी विभिन्न धरण का प्लांट्स आपको दर्शाया हुआ है। ईच सिंबल रिप्रेजेंट 8 ट्री, प्रत्येक सिंबल का रिप्रेजेंट 8 ट्री दिखाया है। लुक एट द पिक्चर ग्राफ में जो आंसर क्वेश्चन गिवन में दिया है, बनियान ट्री फिगर में दर्शाया हुआ है, नीम ट्री कितना है फिगर में दर्शाया है, मैंगो ट्री भी दर्शाया हुआ है, तो इसी में से पूछा है कितना होगा। एक नंबर, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर इन देयर, तो मैंगो ट्रीज कितना है वहाँ पर उसको दर्शाना है। हाउ मेनी बनियान ट्री आर देयर इन, वो बनियान ट्री वहाँ पर कितना है वो भी दिखाना है। हाउ मेनी नीम ट्रीज आर देयर, ठीक है, नीम ट्री में कितना पर है, कितना है वहाँ पर, वो वहाँ पर भी दिखाना है। ठीक है, तो हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, ऑल सभी ट्री को मिला के कितना है आएगा वो भी दर्शाना है। तो जैसे नंबर ऑफ द मैंगो ट्री का देखिए 3 × 8, क्योंकि नंबर फिगर में ही दिया हुआ है 3 और 8 तो आपका दिया ही हुआ है डिफरेंट ट्रीज का, तो 3 × 8 कितना 24। उसी तरह बनियान ट्री का भी लेंगे 4 × 8 32, नंबर ऑफ द नीम ट्री 5 × 8 40 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ द ट्री दे देंगे सभी ट्री का, जैसे मैंगो ट्री का, नीम ट्री का, बनियान ट्री का एडिंग होगा। ठीक है, इतना करने से हमारा 96 होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट 6 नंबर में, द फॉलोइंग पिक्चर ग्राफ शोज द नंबर ऑफ द स्कूटर सोल्ड बाय द ए कंपनी ड्यूरिंग ए वीक। ठीक है, तो इस तरह से फॉलोइंग पिक्चर ग्राफ में शो दिखाना है कि नंबर ऑफ द स्कूटर्स है जो बेचता है किसी कंपनी के द्वारा उस अवधि में 6 स्कूटर्स को पहले ही वो टेकआउट कर लेता है, स्कूटर सॉल्व किया। तो डे आपको पहले देना, डे से कितना सैटरडे तक है, फिगर में दर्शाना है क्या क्या 6 स्कूटर है, तो 6 स्कूटर को संख्या को आपको दिखाना है। ठीक है, फिगर में आप दर्शा दोगे सप्ताह का, जैसे मान लो 6 × 7 जा कितना होता 42, उसी तरह से उसको भी सबका अलग अलग से बनेगा। और स्टडी द पिक्चर ग्राफ केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बिलो, उसमें दिया हुआ है हाउ मेनी स्कूटर वेयर देर इन मंडे में, हाउ मेनी स्कूटर्स आर सोल्ड इन ट्यूजडे में कितना हुआ, वन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज द स्केल ऑफ द स्कूटर मैक्सिमम कितना उस सप्ताह में सबसे ज़्यादा स्कूटर का सेलिंग हुआ था, तो फिर हाउ मेनी स्कूटर आर देर इन द डे, उस डे में वन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज द सेल्स ऑफ द स्कूटर मिनिमम टाइम में भी उस वीक में कितना हुआ था, उस डे का नाम भी बताना है आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ द स्कूटर ऑन द मंडे में, ठीक है, 5 × 6, ठीक है, 5 × 6 स्कूटर तो पहले से था ही, तो मंडे मंडे का आपका जैसे 5 × 6, ठीक है,
इतना फिगर, वो तो फिगर में दर्शा ही हुआ है कि पास तो है ही है, फाइव स्कूटर, तो फाइव इंटू सिक्स इन द 30 नंबर सोल्ड इन द ट्यूजडे, फोर तो है, फोर हाँ फोर है ही है और सिक्स स्कूटर पहले बचा 24, उसी तरह से मिनिमम ऑन द फ्राइडे, सबसे कम जो हुआ है वो सॉरी मैक्सिमम जो हुआ है सबसे पहले फ्राइडे पर ही हुआ है, नंबर ऑफ द स्कूटर सोल्ड इन द फ्राइडे 7 × 6 = 42 हो गया, और मिनिमम जो हुआ वो सैटरडे में हुआ था, कितना मात्र 2 ही तो हुआ था, 2 × 6 दैट इज 12, ठीक है। इस तरह से सभी को धन्यवाद, आप लोग आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है, ओके चलिए हाँ।